सूरत में हुई, कोचिंग इंस्टीट्यूट में अग्नि कांड के बाद हरकत में मेरठ में भी डिपार्टमेंट नजर आ गया है। मेरठ अग्निशमन विभाग में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। अनशन में चेकिंग अभियान शुरू किया गया, कोचिंग सेंटरों में फायर सिस्टम की जांच की गई। मंगल पांडे नगर के विद्या मंदिर क्लासेस में किया गया फायर सिस्टम चेक, बच्चों को बताया गया बचने के उपाय। मेरठ फायर अधिकारी संजीव कुमार इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। यहां बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब देश में कोई घटना घटित होती है तभी ये विभाग चेतते हैं और कुछ दिन बाद फिर वही मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। क्या इससे बढ़िया ये न हो कि एक रूटीन चेकअप शुरू किया जाए जिससे कि बच्चों की और आम जनों की सुरक्षा बनी रहे। सूरत वाली घटनाओं को लेकर मेरठ के कोचिंग सेंटर के क्या हाल चाल है, जांच की गई और क्या पाया गया? अभी हमने 2-3 कोचिंग सेंटर का इंस्पेक्शन किया है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। उनको इंस्पेक्शंस भी दिए गए हैं, उनसे बिल्डिंग के मैप्स मांगे गए हैं, बिल्डिंग के मैप्स किस तरह से सैंक्शन है, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सब मैप देख के निरीक्षण करके रिपोर्ट। किन किन कोचिंग सेंटर पे आपने फिर्जी चेक की है, ये विद्या मंदिर की है, और भी कोचिंग सेंटर चेक करने जा रहे हैं। और यदि इनमें जो सिस्टम अधूरे पाए गए तो कितने दिन का टाइम दिया जाएगा उन्हें सही कराने? अभी पहले इनकी ड्राइंग्स ले लें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या होनी चाहिए, उसके बाद ही इनको समय दिया जाएगा और समय देने के बाद। क्या जहाँ नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं क्या वहाँ कोचिंग सेंटर में तब तक बंद रखने की कहा गया है? कहा गया है कि अपने नॉर्म्स पूरे कर लें उसके बाद ही क्लासेस चलाएं।